रियलिटी शो बिग बॉस 16 में हर रोज कंटेस्टेंट के बीच रिश्ते बदल रहे हैं। हर रोज टीना और शालिनी भिनोट के बीच किसी न किसी कारणवश बहसबाजी होती हुई नजर आ रही हैं। देखने से लग तो रहा यही रहा है कि दोनों की लव स्टोरी का दी एंड होने वाला है। टीना ने भी साफ कह दिया है कि उनके दिल में शालिनी के लिए जीरो फीलिंग्स है, तो वही सुम्बुल ने भी टीना और शालिनी के रिश्ते में दरार पैदा कर दी है। शुरुआती दिनों में जो दोस्ती के झंडे गाड़े करते हैं, आज वही दुश्मन बन गए हैं। बीती रात प्रसारित हुए एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क हुआ, जिसके बाद तो कंटेस्टेंट के बीच और भी इविक्शन बदलती हुई दिखाई दी है। बिग बॉस ने एक स्टेज तैयार किया, समय समय पर उन्हें तीन कंटेस्टेंट के नाम लेने थे। इससे पहले इस हफ्ते के कैप्टन अब्दुल रौजिक को कन्फेशन रूम में बुलाकर किन्हीं चार कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन प्रक्रिया से बचाने का उन्हें ऑफर दिया गया था। अब्दू ने साजिद खान, शिव ठाकरे, निमृत कौर और एमसी स्टैन को बचाया। जब अब्दू कन्फेशन रूम से बाहर गए तो बाकी के बच्चे कंटेस्टेंट को बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क बताया। इसमें उन्होंने सबसे पहले तीन लोगों को स्टेज पर भेजा, जिनमें अर्चना गौतम, शालिनी भिनोट और गोरी नागोरी शामिल थे। निमृत और शिव को फूल बेचने वाला बनाया, बाकी बच्चे कंटेस्टेंट को फूल बेचने वालों के पास जाना था और स्टेज पर खड़े कंटेस्टेंट को वो फूल देना था। इस टास्क में स्टेज पर खड़े जिस कंटेस्टेंट के पास सबसे ज्यादा फूल होंगे वो नॉमिनेशन से बच जाएगा। सबसे ज्यादा फूल शालिनी को मिले, इसके बाद अर्चना को और गोरी को सिर्फ तीन फूल मिले, यानी कि गोरी सीधे सीधे नॉमिनेट हो गई है। दूसरे राउंड में स्टेज पर टीना दत्ता, सुम्बुल तौकीर खान और गौतम बीच आए। सबसे ज्यादा फूल टीना के पास, फिर गौतम और आखिरी में सुम्बुल के पास केवल एक फूल आया, यानी कि सुम्बुल भी नॉमिनेट हुई। तीसरे राउंड में प्रियंका, अंकिता और सौंदर्या आई। सबसे ज्यादा फूल सौंदर्या, फिर अंकित और प्रियंका को मिले, यानी कि प्रियंका नॉमिनेट हुई। इस टास्क के खत्म होने के बाद सुम्बुल ने शालिन संग अपनी दोस्ती पर सवाल खड़े किए, क्योंकि एक्टर ने सुम्बुल को एक ही फूल दिया, वो भी अब्दुल रौजिक के कहने पर। शालिन का कहना था कि सुम्बुल काफी समय से घर जाना चाहती है, इस उन्हें कम फूल दिए और नॉमिनेट किया। इस पर सुम्बुल और शालिन के बीच विवाद छिड़ गया। सुम्बुल ने सीधा शालिन पर सवाल किया कि अगर प्रायोरिटी टीना दत्ता है तो उन्हें के साथ रहो, इधर उधर न डोले, हर किसी को वो खुश करके नहीं चल सकते। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि शालिन ने छूटते ही सुम्बुल से कहा कि वो यहाँ खड़ी है, उनकी बदौलत खड़ी है, उन्होंने ही सुम्बुल को खड़ा किया है, गेम खेलना सिखाया है। सुम्बुल को ये बात शालिन की बुरी लग जाती है। वो कहती कि तुम भी शो में अपने काम की वजह से आए हो, मैं भी। इस पर शालिन कहते हैं कि मैं टीवी इंडस्ट्री में तब से हूँ जब से तुम पैदा भी नहीं हुई थी। सुम्बुल इस पर शालिन को पागल बोलती है और रोने लगती है। शालिन संग अपनी दोस्ती खत्म कर देती है सुम्बुल। बाथरूम ओरिया में होने वाले इस कॉन्वर्जेशन को टीना दत्ता और निमृत सुन रही होती है। टीना दत्ता इतनी देर में गार्डन एरिया में जाकर शालिन के लिए कहती है कि उनके मन में एक्टर के लिए कोई भावना नहीं है, वो 0% उनसे प्यार करती है। अब्दू टीना की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप दोनों को तो साथ में ही रहते हैं। इस पर टीना कहती है कि सिर्फ गेम के लिए, वरना 0% उनके दिल में शालिन के लिए जगह है। जब नॉमिनेशन टास्क का तीसरा राउंड होता है तो उसमें सौंदर्या को शालिन फूल देते हैं, इससे पहले एक फूल उन्होंने गौतम बीच को भी दिया था। इस पर टीना का शालिन पर गुस्सा फूटता है, वो कहती है कि तुम इधर उधर सबके साथ कैसे मिलकर चल रहे हो, अगर गेम खेलना है तो एक साथ रहो, पल पल में अपना गुड मत बदलो और हर किसी को गुड बुक्स में रहने की कोशिश मत करो। इस पर शालिन सफाई देते हुए कहते हैं कि मैंने गौतम को जो फूल दिया था वो मैंने उससे फेवर रिटर्न किया था और सौंदर्या को भी। इस पर टीना कहती है तुमसे अच्छी तो सौंदर्या जो सिर्फ गौतम को फूल दे रही थी, कम से कम उन दोनों का रिश्ता फेक तो नहीं है। टीना और शालिन के बीच की लड़ाई देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दोनों की लव स्टोरी का दी एंड होने वाला है। सुम्बुल द्वारा कही बातों को भी टीना को बुरा लग जाता है, ये साफ तौर पर एपिसोड में नजर आया है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सुम्बुल तौकीर खान की वजह से शालिन और टीना के रिश्ते में दरार आ चुकी है, या यूं कहिए कि दोनों की लव स्टोरी का दी एंड बस होने ही वाला है। देखा जाए तो इस गेम में कोई किसी का सगा नहीं है, सब यहाँ गेम खेलने आए हैं और ट्रॉफी जीतने के लिए। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।